हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कई बार आप मूली के पत्तों को डस्टबिन में फेंका होगा, लेकिन आज इस रेसिपी को देखकर आप बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे, क्योंकि मूली के पत्ते की सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है और ये बाजरे की रोटी, ज्वारी की रोटी और फुलकों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे लिया है 2 मूली, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगी 1 ही मूली और 2 मूली के पत्ते लूंगी मैं। अब इन पत्तों को मैं डंठल के साथ कट करके रख दूंगी। ये डंठल नीचे वाला हिस्सा हम फेंक देंगे। अब इन पत्तों को गर्म पानी में अच्छे से 2 बार धोना है और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर 2-3 बार धो के 2 पानी से धोना है। फिर इसको कट करके लेना है। कढ़ाई रख दिया है, तेल गरम हो चुका है। राई जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इन पत्तों को मैं बारीक कट करके इसमें डाला है। अब 1 मूली भी लिया है मैंने टुकड़ों में कट करके, वो भी इसमें ऐड किया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए, क्योंकि पत्ते का पानी छूट जाएगा, मॉइस्चर छोड़ेगा ये मूली के पत्ते, इसलिए। अब नमक ऐड किया है मैंने स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को और एक बार मिलाती हूँ, फिर एक ढक्कन रखकर 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ। अब पक चुका है, देखिए ये मूली सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं मूली। अब सब्जी बनके तैयार हो गई। अब इस सब्जी को हम रोटी फुलकों के साथ, ज्वारी की रोटी हो या बाजरे की रोटी हो, उसके साथ परोसिए, बहुत टेस्टी लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।